हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली एम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस औरंगाबाद के एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ और साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है आज से, यानी 12 अगस्त से। तो लास्ट डेट है 31 अगस्त। ये मे भी एक्सटेंड हो सकती है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा अगर एक्सटेंड होती है तो। ओके, तो लेकिन आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है इसका वीडियो इस वेबसाइट के भी आपको ऊपर मिल जाएगा, और मैं आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। ओके, तो उसके बाद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर और सभी जानकारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो आपको क्या करना है, इस आर्टिकल के ऊपर आ जाना है। इस आर्टिकल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था उनकी लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए 50 सीट्स है, उनमें से 45 सीट्स जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, और 5 सीट्स मतलब 5 सीट जो है अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, और 1 सीट जो है फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व रहेंगी, और 1 सीट जो है तो ईएक्स सर्विस मैंस के लिए 2 सीट है, स्पोर्ट पर्सन के लिए 1 सीट है, और नेशनल लेवल का होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो रिजर्वेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हिसाब से रहेगा, और यहाँ पर आपको जो है तो मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, कम्प्लीटली मेरिट बेस पे, मतलब 12th के जो मार्क्स है आपके उसके बेस पे एडमिशन होगा। अगर आपका टाई अप हो जाता है, मतलब आपके और किसी और स्टूडेंट्स के मार्क सेम रहते हैं, तो आपके फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मार्क कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अगर फिर भी टाई अप हो जाता है तो फिर आपके जो है तो एसएससी के मार्क्स का देखे जाएंगे, और उसके बाद थर्ड जो क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट की ज़्यादा एज रहेंगी उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये हो गई इसकी बात बीएससी की। एमएससी के एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं अभी के लिए तो। ओके, तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिल जाती है बीएससी स्टूडेंट्स ओके के लिए और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, और पीजी डिप्लोमा के लिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है हॉस्टल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 राउंड हुए थे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यहाँ पर, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपको एक नया ओपन हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कुछ इस तरह की। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 96। इस साल जो है तो प्रीवियस ईयर से 5 से 6-7% हाई जा सकती है प्रीवियस कट ऑफ। ओके, क्योंकि इस साल जो है तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आए हैं स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से आप ध्यान रखें इस साल काफ़ी हाई जाएंगी कट ऑफ एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, तो मैं बैक आ जाता हूँ इस आर्टिकल की जो लिंक है दे दूंगा। और फीस की अगर बात की जाए तो 2500 पर ईयर फीस रहेंगी आपको, ये लास्ट ईयर की है। इस साल में भी 3000 हो जाएंगी बीएससी के लिए, हो सकता है, लेकिन आप चेक कर लेंगे तो मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा जब भी कम्प्लीटली फीस स्ट्रक्चर। तो ये ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, मतलब लास्ट ईयर का है 2020 का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है ये आप देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा लीजिए। अगले वीडियोज़ में मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फॉरेंसिक साइंस नागपुर और उसके बाद मुंबई, इनकी भी जानकारी बहुत जल्द दूंगा। ओके, थैंक यू।